में की गई बांग्लादेश पर खास बैठक। राहुल गांधी ने पूछे कई अहम सवाल, कैसे खत्म होंगे बांग्लादेश के क्राइसिस और क्या भारत कर चुका है पूरी तैयारी। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेल इंडिया पर हमारा शो। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश क्राइसिस की। बांग्लादेश पर नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने नेता राहुल गांधी ने तीन सवाल उठाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीनों सवालों का जवाब दिया। इसी दौरान राहुल गांधी ने बांग्लादेश में तेजी से बिगड़ते हुए हालातों में पाकिस्तान का हाथ होने को लेकर भी सवाल उठाए। इसके अलावा राहुल गांधी ने पूछा कि ढाका में सत्ता बदलने को लेकर हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है। इसी के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अभी ये डेवलपिंग सिचुएशन है, केंद्र सरकार इस पर करीबी नज़र बनाए हुए है, इसी के हिसाब से रणनीति बताई जा रही है और फिर भी जो सही होगा वही किया जाएगा, उसके हिसाब से अगला कदम हम उठाने को बिल्कुल तैयार रहेंगे। देखा जाए तो बांग्लादेश में पिछले कुछ अरसे से लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़कर भारत में शरण ले रखी है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक के दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि क्या बांग्लादेश में तेजी से खराब होते हालात के पीछे विदेशी ताकतों का, खासकर पाकिस्तान का हाथ है। केंद्र सरकार की तरफ से इसके जवाब में बताया गया कि सभी एंगल से इसमें जांच की जा रही है। खबर के मुताबिक एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के हिसाब से लगातार अपनी डीपीज बदल रहा है। भारत सरकार इसको लेकर भी जांच में जुटी हुई है कि कहीं इसमें इसका कोई बड़ा संकेत तो नहीं। राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि क्या नई दिल्ली ने बांग्लादेश में घटनाओं के नाटकीय मोड़ को भांप लिया है। इसके जवाब में केंद्रीय विदेश मंत्री ने बताया कि भारत हालात की निगरानी कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी और सभी दलों को सर्वसम्मत समर्थन के लिए उनकी सराहना की। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में एस जयशंकर ने संसद भवन में हुई बैठक की तस्वीरें साझा की। विदेश मंत्री ने लिखा कि आज संसद में एक सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान जताए गए सर्वसम्मत समर्थन और तालमेल के लिए सभी दलों की सराहना करता हूं। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के अचानक इस्तीफा देने और देश छोड़कर जाने से वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। हसीना सोमवार रात बांग्लादेश वायुसेना के C-130 जे सैन्य विमान में भारत पहुंची। बताया जा रहा है कि उनकी लंदन जाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इस मुद्दे पर सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति की बैठक अध्यक्षता बुलाई। इसी के बाद राहुल गांधी ने इसमें कुछ सवाल पूछे जिनके जवाब एस जयशंकर विदेश मंत्री ने दिए। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।